मैं सुनील दत्त दुबे यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हूँ। मैं उन हजारों छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आईएएस पीसीएस नीट की तैयारी, इंजीनियर बनने के लिए एनडीए सीडीएस की तैयारी के लिए भारत के विभिन्न शहरों में, दिल्ली में, प्रयागराज में, कानपुर में, कोटा में, चंडीगढ़, इंदौर में अपने सपनों को साकार करने के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर तैयारी के सिलसिले में आते हैं और वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सारे लड़के इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, सारे लड़के मेडिकल में नहीं जा सकते हैं, सारे लड़के आईएएस में सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है उनमें सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ें। एक स्किल पर डिपेंड करता है, मेहनत पर डिपेंड करता है, और कुछ चांस फैक्टर होते हैं कि हम सफल नहीं हो पाते हैं और वो कुंठित हो जाते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। मैं उनके परिवार का सदस्य नहीं हूं, परंतु फिर भी मैं उनके साथ खड़ा हूं कि वो अपनी असफलता पर टूटे नहीं। आईएएस बनना, पीसीएस बनना या इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये एक सीढ़ी है और उसका एक सोपान है, ये मंजिल नहीं है। हो सकता है कि उनका जन्म और बेहतर कुछ करने के लिए हुआ हो, वो अपने व्यक्तित्व को समाप्त न करें, अपने शौक को मरने न दें, और इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक छात्र दो प्लान तैयार करें, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए जो उनके घर के माता पिता के सपने हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि माता पिता उनको अपनी मेहनत से आईएएस बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक प्लान बी भी वो तैयार रखें जिसमें वो अपनी इच्छा से, अपने शौक से, अपने इंटरेस्ट से कुछ बन सकते हैं और उससे बेहतर कर सकते हैं। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम एनडीए की परीक्षा में असफल हो गए थे, परंतु उन्होंने भारत में मिसाइल मैन बन के वो उभरे और पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का उन्होंने लोहा मनवाया, क्योंकि उनका जन्म हवाई जहाज उड़ाने के लिए नहीं हुआ था, उनका जन्म कुछ अच्छा करने के लिए हुआ था। तो जो छात्र अपने असफलता से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बिखरे नहीं और हमेशा प्लान भी तैयार रखें। आप उससे बेहतर करने के लिए आपका जन्म हुआ है, आप अपने शौक को मरने न दें। मैं उनके दुख दर्द बांटने के लिए उनके साथ बट वृक्ष की तरह खड़ा हूं, वो अपने व्यक्तित्व को कुंठित न होने दें और ये समझ लें कि असफलता ही सफलता की ओर ले जाती है। अगर वो आईएएस नहीं बन सके तो और समाज में अपनी बेहतर सेवाएं देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि लाखों छात्रों में कुछ छात्र असफल होंगे, कुछ सफल हो जाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि वो मानसिक दृढ़ता बनाए रखें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें, सफलता उन्हें अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।